नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाल ही में फोर्स मोटर्स ने फोर्स ट्रैक स्कूटर जंगल सफारी वर्जन को लॉन्च किया है, तो उसी गाड़ी के बारे में दोस्तों आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जानेंगे दोस्तों जो रेगुलर ट्रैक स्कूटर है उससे ये जो सफारी वाला वर्जन है इसमें कैसा कैसा डिफरेंसेस आ जाता है और क्या क्या नया चीज मिलता है। साथ ही इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइसिंग सब कुछ दोस्तों टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन उसको भी इनेबल कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाए। और अगर दोस्तों आप लोगों को फोर्स गुरखा 5 डोर वाला पिकअप ट्रक, बहुत ही नया ट्रक और बहुत ही यूनिक ट्रक, इसका बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो मेरी इस वीडियो को देखिए जिसका आई बटन में लिंक करा हुआ और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो ये जो गाड़ी है दोस्तों फोर्स मोटर्स का जंगल सफारी ट्रैक क्रूजर, ये गाड़ी दोस्तों फोर्स मोटर्स ने कुछ दिन पहले ही रिवील किया है, जो कि दोस्तों जो डिजाइन लैंग्वेज गाड़ी में बेस किया गया है वो दोस्तों जंगल सफारी जो गाड़ियाँ होता है उसके जैसे ही जैसे इसका कलर जो होगा दोस्तों वो आप लोगों को डीप ग्रीन मिल जाएगा और साथ ही दोस्तों जो कैमोफ्लेज पैटर्न होता है इन जंगल सफारी गाड़ियों में वही आप लोगों को इस गाड़ी में मिलेगा। ये जो गाड़ियाँ हैं दोस्तों ट्रैक क्रूजर जंगल सफारी एडिशन, इन गाड़ियों को दोस्तों जो ऑर्डर का बेसिस पे बनाया जाएगा, तो इसका कोई दोस्तों अभी तक जो लिमिटेड क्वांटिटी प्रोडक्शन ऐसा कुछ नहीं है। ये दोस्तों जब भी ऑर्डर आएगा गवर्नमेंट से तभी दोस्तों इस गाड़ी को बनाया जाएगा। ये भी कोई भी प्राइवेट कंपनी जो दोस्तों कोई नेशनल पार्क या फिर दोस्तों जो छोटा मोटा पार्क होता है जंगल सफारी टाइप का उन तरह का कोई भी जो ओनर जो है ओन करता है ऐसा कुछ भी, तो उन लोग दोस्तों ऑर्डर करके ये जो गाड़ियाँ हैं दोस्तों जंगल सफारी ट्रैक क्रूजर इसको ऑर्डर करके बनवा सकता है। और एक गाड़ी का दोस्तों ऑन रोड प्राइसिंग जो होगा वो करीब आप लोगों को 20 लाख का आसपास इस गाड़ी का प्राइसिंग रहेगा। इस गाड़ी का जो फर्स्ट बैच है उसको दोस्तों टडोबा टाइगर रिजर्व में भेजा जाएगा। इस गाड़ी में जो फोर्स ट्रैक क्रूजर है उससे बहुत कुछ चेंज किया गया है तब जाके दोस्तों ये जंगल सफारी एडिशन बना है। इस गाड़ी में सबसे पहले तो दोस्तों इसका जो कलर और इसका जो कैमोफ्लेज वर्जन है उसको लॉन्च किया गया है इस गाड़ी में आप लोगों को देखा जाएगा। साथ ही इस गाड़ी का जो सीटिंग कैपेसिटी रहता है वो 6 पीपल का रहता है, यानी 6 पीपल का जो सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी में मिल जाएगा। फिक्स्ड ग्लास विंडो आप लोगों को मिल जाएगा चारों दिशा में। इस गाड़ी में दोस्तों लेदर बकेट सीट आप लोगों को मिलेगा, रूफ माउंटेड एसी वेंट्स मिल जाएगा, मोबाइल चार्जिंग का फैसिलिटी मिल जाएगा और साथ ही डुअल सनरूफ मिल जाएगा ताकि जो अंदर में जो ऑक्यूपेंट बैठा है दोस्तों जो सफारी करने गया है उन लोग ऊपर से अपना जो है दोस्तों सर निकाल के बाहर का व्यू को एंजॉय कर पाए। इस गाड़ी का जो ओवरऑल लेंथ रहता है वो आप लोगों को 5.1 मीटर्स का मिल जाता है, जो कि दोस्तों जो रेगुलर ट्रैक क्रूजर है उसका जैसे ही रहता है। लेकिन इस गाड़ी में 6 पीपल का यानी 6 पीपल का सीटिंग कैपेसिटी रहता है, कम हो जाता है अंदर में, मतलब आप लोगों को बहुत सारा लग्जरियस फीचर्स मिल जाएगा। साथ ही मैंने आप लोगों को बोल दिया लेदर बकेट सीट मिलेगा, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सीट्स होता है ये सब, और जो मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी एसी ये सब आपको मिलेगा ही मिलेगा। एडिशनल दोस्तों इस गाड़ी में आप लोगों को मेटल गार्ड मिल जाएगा सामने और पीछे, जो कि दोस्तों इस गाड़ी को एक अच्छा प्रोटेक्शन, साथ ही इस गाड़ी के अंदर में जितने भी ऑक्यूपेंट हैं सबको एक अच्छा प्रोटेक्शन देगा। इस गाड़ी का जो मेटल बम्पर है दोस्तों आप लोगों को मेटल गार्ड वो सामने का बम्पर में और पीछे का बम्पर में दोनों जगह में आप लोगों को मिल जाएगा। और जहां तक बात है इस गाड़ी का स्पेसिफिकेशन को लेकर, तो दोस्तों वही आप लोगों को जो ट्रैक क्रूजर में इंजन आता है 6.2 लीटर का FM डीजल इंजन, वही इंजन इस गाड़ी में मिल जाएगा, जो कि दोस्तों 90 हॉर्स पावर का पावर निकालेगा और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देगा, और वही 5 फीट का मैनुअल गियरबॉक्स आप लोगों को इस गाड़ी में मिलेगा। आइए आप डिटेल में इस गाड़ी का स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इंजन जो आ रहा है वो मर्सिडीज बेंज डिराइव्ड 2.6 लीटर का दोस्तों FM CRDI इंजन आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों BS6 फेज 2 वाला एमिशन नॉर्म्स को फुलफिल करेगा। ये एक 4 सिलेंडर इंजन रहता है जो कि कॉमन रेल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस रहता है। इस इंजन का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट रहता है वो रहता है 2593 cc का और इस जो मैक्सिमम पावर आउटपुट रहता है वो आप लोगों को पहले ही बता दिया 90 हॉर्स पावर का जाता है, जो कि 3200 rpm में मिल जाता है, और जो मैक्सिमम टॉर्क इंजन निकाल के देता है वो 250 न्यूटन मीटर का निकाल के देता है, जो कि आ जाता है 1400 से लेकर 2600 rpm का बीच में। जो दोस्तों गियरबॉक्स आ रहा है वो दोस्तों सिंक्रोनस टाइप वाला गियरबॉक्स आ रहा है और इसमें 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर का सेटअप मिल जाता है। जो एक्सेल आ जाता है इस गाड़ी में फ्रंट में इंडिपेंडेंट और पीछे में लाइव डिजिट का एक्सेल मिल जाता है। जो स्टीयरिंग व्हील आता है वो दोस्तों पावर असिस्टेड हाइड्रोलिक रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। जहां तक बात है जो सस्पेंशन का, फ्रंट में इंडिपेंडेंट टाइप डबल व्हीलबेन वाला सस्पेंशन मिलता है और पीछे में लीफ स्प्रिंग वाला सस्पेंशन टाइप मिल जाता है। जो इस गाड़ी में दोस्तों शॉक एब्जॉर्बर आता है, एंटी रोल बार भी मिल जाता है और साथ ही जो शॉक एब्जॉर्बर आता है वो दोस्तों हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है पीछे और सामने दोनों में ही। जो ब्रेक्स आता है दोस्तों वो डुअल सर्किट वैक्यूम असिस्ट ब्रेक मिल जाता है। इस गाड़ी में ABS और EBD दोनों ही मिल जाता है। सामने फ्रंट में दोस्तों आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे में दोस्तों आप लोगों को ड्रम वाला सेटअप मिल जाता है। जो पार्किंग रहता है वो मैकेनिकल एक्टिंग और रियर व्हील में आप लोगों को पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। जहाँ तक बात है दोस्तों टायर साइज का, तो इसमें दोस्तों वही रेगुलर ट्रैक्स का टायर साइज ही आता है, जो ये रहता है 215/75 R15 LT रेडियल ट्यूबलेस टायर इस गाड़ी में मिल जाता है कंपनी द्वारा। और जहाँ तक बात है दोस्तों फ्यूल टैंक कैपेसिटी और एडब्लू टैंक का कैपेसिटी का, तो दोस्तों इस गाड़ी में आप लोगों को 63.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है और जो एडब्लू टैंक है दोस्तों वो आप लोगों को 20 लीटर का मिल जाता है। जो ओवरऑल GVW इस गाड़ी में आता है वो आप लोगों को 3180 kg का मिल जाता है।
तो दोस्तों समराइज करें तो ये जो गाड़ी है एक बहुत ही लग्जूरियस जो दोस्तों जंगल सफारी गाड़ियाँ होता है उनमें इस गाड़ी को गिना जा सकता है, क्योंकि जितने भी दोस्तों जो जंगल सफारी गाड़ियाँ होता है जैसे कि दोस्तों मारुति का जिप्सी या फिर कोई भी दोस्तों गाड़ी उतना लग्जरी ऑफर नहीं करता है जितना कि ये दोस्तों फोर्स का ट्रैक्स क्रूजर जो जंगल सफारी एडिशन गाड़ी है ये ऑफर कर देता है। इस गाड़ी में दोस्तों आप लोगों को पैनोरमिक जो विंडो है सील्ड विंडो चारों दिशा में मिल जाता है, एक बहुत ही आप लोगों को पैनोरमिक व्यू दे देगा आसपास का। ऊपर में दोस्तों डबल सनरूफ मिल जाता है जो भी एक अच्छा बात है, साथ ही एसी तो गाड़ी में मिल रहा है और जो दोस्तों लेदर बकेट सीट है वो बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। और इस गाड़ी में दोस्तों आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटीज तो इन तरह का जो एमिनिटीज है वो भी दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग दोस्तों बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी करते हैं जाके जंगल सफारी में तो आप लोगों का जो डिवाइसेज है वो चार्ज में रन आउट नहीं होगा, वो आप लोगों का चार्ज रहेगा हर समय, एक बहुत ही अच्छा बात है। तो फोर्स मोटर ने दोस्तों ऐसा कुछ गाड़ी बनाया है जो कि दोस्तों बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा इस गाड़ी को देख के। कैमोफ्लाज इस गाड़ी का डिज़ाइन, इसका कलर बहुत अच्छा लगा। और अगर दोस्तों अगर आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में कोई भी डिटेल्स में जानना है तो मेरे कमेंट में जरूर से लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने का। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन उसको भी मिल रखी ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाए। साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों को फोर्स मोटर का सभी गाड़ी के बारे में जानना है तो मेरे इस प्लेलिस्ट को देखिए जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख दिया रहेगा। और जहाँ तक बात है दोस्तों इस गाड़ी का प्राइस और माइलेज को लेकर, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया इस गाड़ी का जो प्राइसिंग रहता है वो दोस्तों ऑन रोड 20 लाख के आसपास रहता है और जो माइलेज है वो दोस्तों आप लोगों को वही फोर्स ट्रैक्स क्रूजर का जैसे माइलेज मिल जाएगा जो कि दोस्तों 10 से लेकर 11 किलोमीटर पर लीटर के आसपास जो है माइलेज ये गाड़ी आप लोगों को दे पाएगा। तो थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो इतना देर तक देखने के लिए, तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के और गाड़ी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।